अगर साफ़ सफाई नहीं होएगा, इधर भी पानी अगर रुकेगा तो मैं एक, एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ घूमने नहीं दूंगा उन लोग तो उसमें भी है अगर नाले से पानी नहीं जाता है और वहां पे अगर किधर दिक्कतें आती है तो मैं जितने अधिकारी जिस जवाबदारी है उनको मैं रास्ते में पकड़ूंगा रस्ते पे पकड़ूंगा और वो घूमने नहीं तो आप हाँ। मैं इसके लिए तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं। मैं सबको इसके लिए दिखाया वो काम करने के लिए बोला मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है नमस्कार मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं बरसात का मौसम आ चुका है इसमें दो तरह के महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है बरसात के समय एक रोग फैलने का भी बहुत सारा खतरा रहता है तो दूसरा नाला सुपारा वसई विराट जल भराव में मगन हो जाता है हर व्यक्ति परेशान हो जाता है हम दोनों पर बातचीत करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अस्पतालों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कैसा है और बात करेंगे कि क्या जल भराव इस बार भी देखने को मिलेगा और मिलेगा तो जमीनी हकीकत क्या है और नहीं मिलेगा तो जमीनी हकीकत क्या है हम बात उससे करने जा रहे हैं जिसने महानगर पालिका का नेतृत्व किया है महापौर पद पर रहकर पूर्व महापौर रूपेश जादव से बातचीत करते हैं शहर की व्यवस्था के बारे में रूपेश जी सबसे पहले आपको नमस्कार सबसे पहला सवाल क्या लगता है कि हर बार डूबता है सुपारा वसई विरार इस बार भी डूबेगा नाले सफाई के कामकाज में बहुत सारे प्रश्न लगे अभी हाल ही में आप भी नाले सफाई को लेकर मुआयना करने गए थे निरीक्षण करने गए वहाँ कमी बताई अब वहाँ ठीक हो गया है लेकिन नाले सफाई को देखते हुए क्या लगता है सही ढंग से काम हुआ है महानगर पालिका के प्रशासन की तरफ से नहीं, आप देख रहे हो कोविड के इसमें दो साल महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं हुआ है सब प्रशासन के कार्यबार हाथ में है तो हर साल जैसे टेंडर निकलते वैसे इस साल भी प्रभा समिति के टेंडर निकले आ, अलग अलग जगह पे काम चालू है मैं खुद एक एक हफ्ते से सर्वे कर रहा था उसमें बहुत से ऐसे नाले हैं कि वहाँ परफेक्ट काम नहीं हुआ है नहीं। तो वहाँ मेन नाला जो है येवरसाइन वसंत नगरी का जो नाला है कि संतोष भवन से डायरेक्ट वो पानी यहाँ पे आता है।, है।, है और यहाँ से मधुबन में वो पानी निकल जाता है तो बीच में हमारे प्रथम महापौर राजू जी पाटिल साहब उनका भी फोन आया था उन्होंने भी मेरे को ये सारी मतलब बात पे मेरी चर्चा हो गई उनके साथ फिर मैं पूरा सिस्टम सिस्टमंडल लेके अपना और महानगर पालिका के, के सहायुक्त जो प्रभा समिति डी के हैं और सभी अधिकारी को लेके गए उनको जो मेन मेन नाला जो है और वहाँ से उधर क्या दिक्कतें हैं उनको सब मैं बताया है कि अगर ये अगर नाला ही नहीं अपन साफ करेंगे यहाँ पे जो मट्टी है वो ही नहीं अपन निकालेंगे नहीं तो ये आगे पानी कैसा जाएगा तो उनको सब जितने जितने नाले हैं उनको सब दिखाया और मेरे ख्याल से एक आज से ही उन्होंने पूरा काम चालू किया है मेरे को सुबह से वो फोटो आए मेरे कार्यकर्ता ने भी फोटो भेजा और उन्होंने भी मुझे फोटो भेजा टोटल तो मैं देख रहा हूँ अभी उन्होंने सब पूरी टीम लगा के काम चालू तो कर लिया अगर आप नहीं जाते तो व्यवस्था खराब ही रहती यानी महानगर पालिका के अधिकारी चूंकि इकतीस मई तक उनके पास आखिरी डेट था सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं आप जैसे लोग अगर जमीन पर नहीं उतरेंगे तो काम इसका मतलब प्रशासन अपने तरीके से नहीं कर रहा है इस टाइम पे तो मैं सब उनको दिखाया है अगर ये नाला अगर साफ सफाई नहीं होएगा, किधर भी पानी अगर रुकेगा तो मैं एक एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं रास्ते में घूमने गुं, नहीं दूंगा उन लोगों को ये, आ, ये करते हैं पूरी तरह। अगर पूरी तरफ हम टेंडर निकालते हैं इतना करोड़ों रुपए महानगर पालिका का जनता का पैसा जाता है अगर आप ठीक मतलब समय पे अभी कितना एक दो तीन दिन अभी बाकी है अगर उसमें आप परफेक्ट काम नहीं करते और उसके वजह अगर देखो ज्यादा बारिश आए तो आप देखिए मुंबई महानगर पालिका सब जगह पे भरती है तो वो तो नैसर्गिक है क्योंकि उसका है। काम मगर तो अगर, अगर इनके वजह अगर जब पानी परफेक्ट जो ये होता है और अब उसमें भी है अगर नाले से पानी नहीं जाता है और वहाँ पर अगर किधर दिक्कतें आती है तो मैं जितने अधिकारी जिस जवाबदारी है उनको मैं रास्ते में पकड़ूंगा रास्ते पे पकड़ूंगा और वो घूमने नहीं दूंगा आप देखा हाँ मैं इसके लिए तो मैं नहीं छोड़ेंगे नहीं मैं सबको इसके लिए दिखाया वो काम करने के लिए बोला मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है पूरी मैं वीडियो निकाला है फोटो निकाला है उनको लेटर दिया है अगर ऐसा होता होगा चेतावनी है मैं तो खुला उधर ही बोला है उनको क्योंकि लोगों का रोज जो है सचिन जी वो हमारे ऊपर है प्रतिनिधि वो हमको चुन के देते हैं तो उनका पूरा गुस्सा हमारे ऊपर रहता है और उनको पता नहीं कि टेंडर हम नहीं निकालते वो महानगर पालिका के निकालते है नहीं। नहीं। और इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि डेढ़ दो साल से पूरा ठप हुआ है सबका अच्छा ये सारी व्यवस्था पूरा ठीक है लेकिन जल भराव जब भी होता है तो डेंगू तमाम तरह की समस्याएं सामने आती है एक अस्पताल है सर्वे नंबर छह पर उसका उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से मुख्यमंत्री जी ने किया था लेकिन अभी भी उसमें काम ठीक से चालू नहीं हुआ उस पर लगातार प्रश्न लगाया जा रहा है और कई लोगों ने आयुक्त को पत्र दिया कि ठीक कराइए क्या कहना है आपको उसके उस विषय पर क्या कहना है सचिन जी मैं एक ही बोलता हूँ मैं देख रहा हूँ पेपर पे न्यूज पे अलग 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 जो जब भी कभी जिंदगी में बाहर पब्लिक में आए ही नहीं और अलग अलग बात में दे रहे हैं उनको पता हुआ सर्वे नंबर छ है कहाँ पे उधर वो जगह जो हॉस्पिटल की थी वो कहाँ पे है वो उधर क्या क्या दिक्कतें आई वो उनको पता है कि पूछो ज़रा वो मूल वो सर्वे नंबर छः जो है सोलह एकड़ जगह है और उसमें अपन हॉस्पिटल स्मशान भूमि दस घंटा अपन वो पंपिंग हाउस को ले दिया था वो कोर्ट को भी जगह दी थी मगर उनको अभी वो नहीं पसंद गए उन्होंने वसई में कहाँ पे लिया है तो ये जो सर्वे नंबर छः वहाँ पे बहुत सी चार सौ पाँच सौ चाली हो गई थी वो बिल्डर ने चाली बांधे थे फिर हम लोग सब गाँव करो का आंदोलन वहाँ पे किया और सब चाली तोड़ने के लिए लगाया पाँच सौ चाली पहला रेकाउट हो गया कि पाँच सौ चाली एक साथ वहाँ पे तोड़ने के लिए लगाए दूसरी बार हम लोग को हॉस्पिटल वहाँ पर जरूरत था हम आदरणीय लोकनेत हितेंद्र ठाकुर साहब आ, हमारे युवा आमदार सितिश ठाकुर साहब उनसे बार बार हम लोगों ने निवेदन दिया सब गाँव करके दिया वहाँ पे लोगों का दिया तो उन्होंने भी तुरंत उसका सर्वे किया और सर्वे करके वो हॉस्पिटल 200 बेड का मंजूर हो गया उसके बाद में कोविड के बाद में काम वो रुक गया तो फिर आपने देखा कि ऑनलाइन उसका उद्घाटन हो गया सब कुछ हो गया पर श्रेय तो शिवसेना ले रही है मैं मैं तो हॉस्पिटल का श्रेय किसने भी लेने दो मगर मेरा खुद का कहना ऐसा है कि हॉस्पिटल जहाँ पे आप तैयार कर रहे वो जगह पहले आप देखो जहाँ पे स्मशान भूमि है स्मशान सम, भूमि के कंपाउंड के बाजू में इस वो हॉस्पिटल बना रहे मतलब वो जो मर गए सब जो धुआ है वो पूरा वो हॉस्पिटल के खिड़की में आएगा और कौन ऐसा आप खुद बोलोगे मैं कि हमारे कोई घर का अगर एडमिट करने का होगा तो स्मशान भूमि के बाजू में कोई एडमिट करेगा तो उधर सब दिखता है ऐसा तो नहीं स्मशान भूमि अपने को माहौल होता है डर है डर फैलता थोड़ा कोई भी आदमी रहेंगे फिर बाद में मैंने ऐसी भी न्यूज है कि वहाँ पे पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या चौथे माले तक पेड़ इतना बड़ा हो गया तो मेरा कहना है हॉस्पिटल जरूरत है और हॉस्पिटल की मांग हमारी थी पहली हॉस्पिटल मांगता है मैदान मांगता है गार्डन मांगता है स्विमिंग पूल मांगता है सब होने वाला है वहाँ पे मगर पहला हॉस्पिटल क्या हम लोगों ने मांग तो मेरा कहते सोलह एकड़ जगह ये लैंड बहुत बड़ी है वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत वैसे ही जगह हमारे बचा के रखा है हम लोगों ने तो वहां भी हॉस्पिटल वो दो सौ बेड का नहीं पांच सौ बेड का होना मांगता है लेकिन होना चाहिए तो, लेकिन सही ढंग मगर सही ढंग से होना, होना मांगता है बाजू में होना मांगता है जिसको उसका पता ही नहीं किधर जगह है क्या है कुछ नहीं और कोई कुछ भी आके ये कर दे तो ठीक है लोगों को मालूम है क्या है अच्छा आखिरी सवाल अगर पानी भरता है तो रुपेश यादव फिर से खिचड़ी लेकर मैदान पे उतरेंगे या कई मैं जनता के बीच छाता लेकर उतरेंगे कैसे उतरेंगे इस बार मेरा एक है मैं तो भगवान को चाहता हूँ कि वो पानी भरना ही नहीं मांगता है उसके लिए मैं तो पूरे जिधर जिधर गटर लाइन है वहाँ पे पूरा काम आ, के पीछे लगाऊँ बड़े बड़े गटर भी सैंक्शन किया है उसका भी काम चालू है आपको पता नहीं है कि वो संतोष भवन से एक बार वो एक लड़का आया था तो उस टाइम पर हम मैंने वो पूरा सोसाइटी में जाके उनको रिक्वेस्ट की क्योंकि वो जो ऐसा नाला था कि उसको गाड़ी उतरने के लिए जगह ही नहीं थी तो पूरा कंपाउंड तोड़ दिया उनको बोला अगर महानगर पालिका नहीं बना के देता तो मैं बना के दूंगा आप ये तोड़ उन्होंने एक शब्द दूसरे दिन वो कंपाउंड तोड़ देंगे तो 21 दिन उधर में काम चालू किया पूरा भरने का और हजारों गाड़ी वहाँ से भरनी थी वो निकल गई और अगले साल आप देखा कि और सैन वसंत नगरी के में पानी आता था मगर वो तुरंत निकल जाता था इस टाइम पे भी मेरी वही मतलब ये है कोशिश रहेगी अगर तभी भी अगर एक बार दो बार अगर ऐसी दिक्कतें आती है तो पूरी टीम हम लोगों के साथ पे रहे मैं तो थे। ये थे रूपेश यादव और रूपेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल की जो जरूरत है उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए जगह निर्धारित की गई है उस पर पहले निरीक्षण होना चाहिए परीक्षण होना चाहिए उसके बाद वहाँ अस्पताल खड़ा होना चाहिए दूसरा इन्होंने कहा कि अगर बरसात होती है और नाले सफाई का, का काम ढंग से नहीं होता है तो आने वाले समय में अधिकारियों को अपनी स्टाइल में ये समझाएंगे और उन्हें रास्ते पे उतरने यानी जब घूरते फिरते मिल गए तो उनको पकड़ के उनको समझाया जाएगा इनकी स्टाइल में कि आखिर जनता के काम कैसे होते हैं देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में अगर बरसात अपना कहर बर पाती है तो महानगर पालिका में काम करने वाले पहले रूप पे जाओ जिस तरह से काम किया है वो आने वाले समय में किस तरह से जनता के बीच में काम करते हैं एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित नाला सोपारा